नंबर वन, जिन लोगों को एलर्जी होती है उन्हें बार बार छींक आती है। इसके लिए अदरक का एक टुकड़ा लें और इसे पानी में अच्छी तरह से उबाल लें और फिर पानी को ठंडा मतलब गुनगुना करके इसे पी लें। इससे आपकी छींक में बहुत फ़ायदा मिलेगा। नंबर टू, गाजर का हलवा खाने से गुर्दे की पथरी टूट कर निकल जाती है। नंबर थ्री, बासी रोटी खाने से दांतों में ठंडा गर्म लगने की बीमारी दूर हो जाती है और दांत मजबूत हो जाते हैं। नंबर फोर, अगर आप अपना वजन बढ़ाना चाहते हो तो आलू उबाल कर खाएं। नंबर फाइव, हाथ पाँव काले रंग के हैं तो उठनी का दूध लगाओ, हाथ पैर सफ़ेद हो जाएंगे। नंबर सिक्स, अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहता है तो ये बहुत ही अशुभ होता है। आपको बता दें कि अगर घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा हो तो बनते काम बिगड़ जाते हैं और इस वजह से बहुत मेहनत करने के बाद भी आप कई कामों में सफल नहीं हो पाते हैं। नंबर सेवन, छोटे केले में बड़े केले से ज़्यादा कैल्शियम होता है। नंबर एट, ज़्यादा नहाने वाले इंसान के बालों की गिरने की प्रॉब्लम हो जाती है। नंबर नाइन, घर से चूहों को भगाना चाहती हो तो कमरों के हर कोने कोने में कपूर रखें। नंबर टेन, रोज़ाना भुने हुए चने खाने से दिमाग ताकतवर बनता है। नंबर 11, गैस की समस्या होने पर भोजन में अजवाइन मिलाना शुरू कर दे। नंबर 12, छिलके वाली दाल सब्जियों से कोलेस्ट्रॉल हमेशा घटता है। नंबर 13, मुंह की बदबू के उपाय के लिए तुलसी के पत्ते चबाएं। लौंग और इलायची से भी सांस की बदबू से छुटकारा मिलता है। शरीर से बदबू आती है तो गाजर का जूस रोजाना पीना चाहिए, इससे तन की दुर्गंध दूर करने में मदद मिलती है। बच्चों को बुखार और सर्दी हो जाए तो 2 से 3 तुलसी के पत्ते और एक छोटा अदरक का टुकड़ा लें और इनका रस निकालकर 1 चम्मच शहद के साथ दिन में 2 से 3 बार दें। नंबर 15, मोटापा और वजन कम करने के लिए जीरा काफ़ी असरदार है। 1 चम्मच जीरा रात को 1 गिलास पानी में भिगोकर रखें और सुबह उसे उबालकर चाय की तरह पिए और बचा हुआ जीरा चबाकर खाएं। ये घरेलू उपाय को करने से पेट की चर्बी कम होने लगती है। नंबर 16, बाहर से घर आने पर सांस तेज होती है और शरीर भी गर्म होता है, इसलिए ऐसी स्थिति में पानी नहीं पीना चाहिए। थोड़ी देर रुककर शरीर का तापमान नॉर्मल होने पर पानी पिए। नंबर 17, दस्त लगे हो और बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है तो इसके इलाज के लिए जीरा को रामबाण दवा बताते हैं। दस्त ठीक करने के लिए 1/2 चम्मच जीरा चबाकर खाएं और ऊपर से गुनगुना पानी पिए, लूज मोशन बंद हो जाएंगे। नंबर 18, तांबे के बर्तन में रखे पानी को पीने से कैंसर से लड़ने में काफ़ी मदद मिलती है। इस बर्तन में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ये उम्र के असर को भी कम करने में सहायक है। तांबे के बर्तन में रखा पानी पीने से पेट की चर्बी कम होती है और शरीर भी स्वस्थ रहता है। इस पानी का सेवन करने से दिल का दौरा यानी हार्ट अटैक पड़ने की संभावना कम होती है। इससे चेहरे पर भी निखार आता है और स्किन की बीमारियाँ दूर रहती है। नंबर 19, रात में आवश्यकता से अधिक कभी ना खाएं। रात के समय अपने आहार में दाल, हरी पत्तेदार सब्जियां, रोटी आदि का सेवन करें क्योंकि ये आसानी से पच जाती है। नंबर 20, चाय बनाने के बाद जो चाय पत्ती बच जाती है उसे सुखा कर रख लें और जब काबुली चना बनाएं तो उसकी 1 पोटली बनाकर बर्तन में डाल दें, इससे काबुली चने का रंग बहुत ही अच्छा दिखता है। खाना खाने के तुरंत बाद पानी ना पिए, ऐसा करने से व्यक्ति को मोटापे की समस्या हो सकती है। अगर आपके सर में रोज दर्द रहता है तो पालक खाना छोड़ दें। कोई भी सब्जी धनिया और हल्दी के बिना बेस्वाद लगती है, इसके लिए आपको अपनी रसोई में धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर जरूर रखना चाहिए। बाजार से खड़े मसाले लाएं, साबुत मसाले पीसे मसालों की तुलना में ज़्यादा दिनों तक ताज़ा रहते हैं। जायफल जैसे साबुत मसाले पीसे हुए मसालों की तुलना में अधिक समय तक अपनी ताजगी बनाए रखते हैं। अगर आप चाहें तो 1 या 2 साबुत जायफल खरीदें और अपनी रेसिपी के लिए जितनी मात्रा में चाहे उतनी कद्दूकस कर लें। अस्थमा की शिकायत होने पर करेला बेहद फायदेमंद होता है, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है जिससे लंबे समय के लिए ये बीमारी दूर हो जाती है। दमा रोग में करेले की बगैर मसाले वाली सब्जी खाने से लाभ मिलता है। पेट में गैस बनने और अपच होने पर करेले के रस का सेवन करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को नाशपाती का सेवन ज़रूर करना चाहिए, ये महिलाओं के लिए अमृत सामान है। इसमें पाए जाने वाला फॉर्मेट बच्चों को जन्म देते समय होने वाली परेशानियों से बचाता है। कड़वी बादाम खाने से हमारी नज़र कमज़ोर हो जाती है और यह हमारे शरीर को भी नुकसान देती है, इसलिए कभी भी कड़वी बादाम नहीं खानी चाहिए। शरीर का डाइजेशन सिस्टम खराब होने पर कब्ज और एसिडिटी की परेशानी होती है, ऐसे में गुड़ और चना खाएं, इसमें फाइबर होता है जो पाचन शक्ति को ठीक रखता है।
50 ग्राम बड़ी इलायची को हल्का गर्म तवे पर घुमा लें और उसको ठंडा कर लें। फिर इस इलायची को पीसकर चूर्ण बना लें। इसको नियमित खाली पेट पानी के साथ लेने से बवासीर जैसी दिक्कत खत्म हो जाती है। दूध में शहद मिलाकर रोजाना पीने से आंखों की रोशनी बढ़ने लगती है। बकरी का दूध पीने से थकावट नहीं होती और शरीर को ताकत मिलती है। खाना खाने के बाद थोड़ा मीठा खाने से पेट संबंधित रोग दूर रहते हैं और उम्र भी लंबी होती है। अगर कोई इंसान ज्यादा चावल का सेवन करता है तो उसे दमे की बीमारी हो सकती है। अगर आपको मसलों की समस्या हो रही है तो इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए प्याज बहुत ही मददगार हो सकता है। ऐसे में प्याज का रस लगाने से मसलों के छोटे छोटे टुकड़े होकर जड़ से गिर जाते हैं। साथ ही प्याज के रस में नींबू का रस मिलाकर पीने से उल्टियां आना फौरन बंद हो जाती है। इसके अलावा प्याज का रस बालों के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपके बाल तेजी से झड़ रहे हैं तो प्याज के रस को लगाने से राहत मिलती है। साथ ही कुछ दिनों तक नहाने से पहले रोजाना सिर में प्याज का पेस्ट लगाएं, बाल सफेद से काले होने लगेंगे। अगर पेट में दर्द की समस्या है तो पुदीने के पत्ते चबा लें, इससे पेट दर्द में आराम मिल जाता है। अगर आपके शरीर में कमजोरी महसूस होने लगे तो दूध में 1 से 2 खजूर उबालकर सेवन करना शुरू कर दें। फ्रीज में रखे हुए ठंडे पानी का सेवन करने से बचना चाहिए। ये न केवल गले के लिए हानिकारक होता है बल्कि आपकी सेहत को भी कई नुकसान पहुंचा सकता है। गीले बालों में कंघी करने से बाल कमजोर होते हैं। दूध में इलायची डालकर पीने से शरीर की थकावट दूर होती है। सौंफ का सेवन करने से मुंह की बदबू दूर हो जाती है। यदि आप एल्युमिनियम के बर्तन में खाना बनाते हैं तो कभी भी खाना बनाते समय उसमें नींबू का रस ना डालें। अगर कमर दर्द की समस्या से परेशान है तो रोजाना दोपहर को थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर पानी के साथ लेने से दर्द में आराम मिल जाएगा। स्वस्थ रहने के लिए पानी का सेवन करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर देखा जाता है कि लोग सुबह सुबह सबसे पहले चाय पीते हैं। स्वास्थ्य के नजरिए से देखा जाए तो ये आदत सही नहीं है। अगर भूख ना लगने का समस्या है तो गर्म पानी में काली मिर्च और नमक नींबू का रस मिलाकर पी लिया करें, इससे आपको भूख लगने लगेगी। जिन लोगों में खून की कमी होती है उन्हें बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए। रात में आवश्यकता से अधिक कभी ना खाएं। रात के समय अपने आहार में दाल, हरी पत्तेदार सब्जियां, रोटी आदि का सेवन करें क्योंकि ये आसानी से पच जाती है। कच्चा बादाम खाने से आँखों से संबंधित परेशानी होती है। सफ़ेद जीरे की सेवन से कैंसर का खतरा कम होता है। ये दिल के लिए बहुत ही फायदेमंद है। गले में खराश होने पर सुबह सुबह सौंफ चबाने से बंद गला खुल जाता है। इसके अलावा अगर आपको छींक आने की समस्या है तो ताज़ा हरा धनिया मसल कर सूंघें, छींक आना बंद हो जाती है। रोजाना गर्म पानी पीने से हार्ट अटैक का खतरा नहीं रहता है। रोजाना सुबह पैदल चलने से मांसपेशियाँ मजबूत होती है, साथ ही याददाश्त बढ़ती है। रात को सोते समय बादाम के तेल की चेहरे पर मालिश करने से चेहरा चमकदार बनता है और झुर्रियां भी नहीं होती है। रात को मेथी भिगो दें और सुबह उसमें दूध मिलाकर पेस्ट बना लें और अपने चेहरे पर लगाएं। इससे आपकी स्किन टाइट हो जाएगी और चेहरा चमकदार हो जाएगा। गैस की समस्या होने पर कुछ समझ नहीं आता है। कई बार तो गैस इतनी भयंकर बनती है कि सिर तक चढ़ जाती है। इससे तुरंत राहत पाने के लिए आपको दवा नहीं लेनी चाहिए क्योंकि कुछ देर में ही गैस से छुटकारा मिल जाता है। लेकिन घरेलू नुस्खे से आप तुरंत राहत पाने के साथ समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकती है। इसके लिए लहसुन की 2 कली छीलकर 2 चम्मच शुद्ध घी के साथ चबाकर खाएं, फौरन आराम होगा। पैरों के तलवों में विक्स लगाकर सोने से सीने का कफ दूर होता है और सर्दी जुखाम से भी राहत मिलती है। सेब खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, इससे गले में दिक्कत हो सकती है। ज़्यादा नमक खाने से हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत हो सकती है, इसलिए ध्यान रखें कि कभी भी सब्जी में ऊपर से नमक ना डालें। रोजाना भुने हुए चने खाने से दिमाग ताकतवर बनता है। दूध को 1 से 2 बार उबालकर इस्तेमाल करें। ज्यादा उबाल देने से उसके पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं। शरीर को खूबसूरत रखना है तो रोजाना खुली हवा में लंबे लंबे सांस लें और कुछ देर पैदल चलें। बदन में दर्द होने पर सरसों के तेल में नमक मिलाकर गुनगुना करके पूरे बदन पर मालिश करके गर्म पानी से नहा लें, इससे तुरंत राहत मिलती है। अगर आपको आंत को मजबूत करनी है तो गुलाब के पत्ते, सौंफ, इलायची, शहद इन सबको पीसकर पेस्ट बना लीजिए और फिर 1 चम्मच रोजाना खाएं। जामुन खाने से दांतों का पीलापन, सनसनाहट, मसूड़ों की सूजन ये सब रोग ठीक हो जाते हैं। अगर आपको कमजोरी महसूस होती है तो काजू का इस्तेमाल करें। जो लोग सोने से पहले चेहरा नहीं धोते वो जल्दी बूढ़े होने लगते हैं। सुबह नहाने के बाद पैर के अंगूठे पर तेल लगाने से थकावट नहीं होती है।
यदि आप जुखाम की समस्या से परेशान हैं, तो अनार के छिलकों की चाय बनाकर पी लीजिए। इससे जुखाम जल्दी ठीक हो जाता है। सब्जियों को स्टोर करने के लिए सही तरीके का इस्तेमाल करें। सब्जियों को सबसे पहले अच्छे से धो लें, फिर उसे पोंछकर पॉलीथीन में भरकर रखें। ऐसा करने से सब्जियां जल्दी खराब नहीं होती, बहुत लंबे टाइम तक ताज़ी रहती है। इस वीडियो में बताई गई जानकारी एक सामान्य कार्य के लिए है। किसी भी बीमारी से पीड़ित होने पर डॉक्टर से सलाह लेकर ये नियम को अपनाएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको मेरी बताई गई जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और ऐसी जानकारी और टिप्स की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें, ताकि जब भी मेरी न्यू वीडियो मैं अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।